जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की। कैसे है विधान भगवान कृष्ण की पूजा का, किस प्रकार से उन्हें घर में बुला लिया जाए, ठाकुर का वास घर में हो जाए, अटूट लक्ष्मी आपके पास आ जाए, आपके जीवन में सभी मनोरथ आपके किस प्रकार से पूर्ण। आज हम इस वीडियो में यही समझते हैं कि किस प्रकार से ठाकुर को घर में बुलाने से लक्ष्मी घर में सदा के लिए आ जाती है, और जन्माष्टमी के दिन उनकी क्या पूजा विधान है, किस प्रकार से उनकी पूजा की जाए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस बार 11 अगस्त को जन्माष्टमी पड़ेगी। व्रतियों के लिए भाई दो हुई ना, ठाकुर के दिन दो मनाए जाते हैं, नंद का उत्सव है, नंद का उत्सव मनाने का दिन है, तो जन्माष्टमी 11 अगस्त को अष्टमी प्रारंभ होगी, और जबकि 11:17 तक जाने वाली है 12 तारीख। तो व्रती जो है अपना व्रत जो है वो 11 तारीख को ही करें। मंगलवार का दिन है, बुधवार के दिन ठाकुर का जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ तो माता पिता की हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई थी, ठाकुर आए बंधन खुल गए। ठाकुर ने क्या कहा, मुझे नंद बाबा के यहां पहुंचाया हो और मेरी माया को ले आओ, माया आई बंधन फिर बंद। ये क्या संकेत है, ये इस बात का संकेत है कि माया आती है तो व्यक्ति बंधन में आ जाता है। ठाकुर की जन्म लीलाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि इनकी पूजा का विधान क्या है। भाई प्रातः काल आप उठ के सुंदर ठाकुर का मंडप बनाएं, ऐसा मान के चलें कि आज हमारे घर में ठाकुर आने वाले हैं, आज ठाकुर का वास घर में होने वाला है। ईशान में बनाएं, नॉर्थ ईस्ट में ठाकुर को पूर्व में बिठा दें, स्वयं आपका मुंह पूरा मुखी हो, सुंदर पीला पीतांबर आसन दें उनको, जो आप बाजार से लाए हैं उनके केश लाए हैं, मुकुट लाए हैं, मोर पंखी लाए हैं, पोशाक लाए हैं, बांसुरी लाए हैं, बांसुरी तो शंकर जी माने आप, वो लाए हैं वो सब उनको सिंगार लें, पुष्पों से उन्हें सुशोभित करें। उसके बाद ठाकुर की लीलाओं का वर्णन पूरे दिन चलता रहना चाहिए, जब तक अष्टमी है। 11:17 तक है तो अगले दिन संध्या का तक भी चले, हम कहते हैं रात को 12 बजे तक चले, 12 बजे से 12 बजे तक चले, 24 घंटे 48 घंटे चले, मंथन चलता रहना चाहिए। क्योंकि दो दिन पड़ गया ना आपके पास, अष्टमी पड़ गई मंगलवार को, तो आपको अष्टमी जो है रात्रि में मिलेगी नहीं, तो आपने दो दिन का मानसिक पूजा करते रहना है। सुने तो बहुत अच्छी कथा, ठाकुर का जन्म हुआ, ठाकुर के जन्म के बाद 7 दिन बाद ही पूतना भेज दी थी कंस ने, उसके बाद ठाकुर की लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर मटकी फोड़ने की लीलाएं हैं, इनको सुने आप। उसके पश्चात ठाकुर के संदीपनी गुरु के यहाँ जाना, शिक्षा ग्रहण करना, कंसवध, ये कई सारी ठाकुर की लीलाएं हैं जो ठाकुर के नामों से प्रचलित हुई, अलग अलग नामों से, ठाकुर के एक नाम नहीं अनेक नाम हुए, वो माखन चोर कहलाए, रण चोर भी कहलाए, वो रण भी छोड़ चुके हैं, उन्होंने द्वारका बसा ली थी। इस प्रकार से ठाकुर की लीलाओं को सुनना, स्मरण करना। कहते हैं ठाकुर का वास अगर आपके घर में हो जाए तो लक्ष्मी स्वयं आके वहीं ठहर जाती है, भाई पति के घर रहेगी तो लक्ष्मी का वास कराना हो, शंख शालिग्राम तुलसी आज के दिन ले आए, मंगलवार को पड़ रही है और विशेष उपाय है ये उसका, ये सुन लीजिए विशेष उपाय क्या है, शंख शालिग्राम तुलसी घर में ले आइए, आपके घर में बरकत रहेगी, आपके घर में जो है वो सुरक्षित रहेगा, जो नहीं है ये ठाकुर का वचन है, लिख दिया है 11वें श्लोक में, पार्थ जो मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, जो मुझे भजता रहता है, जो मेरा हर समय स्मरण करता रहता है, जो उसके पास होता है वो
उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है मैं उसे ला कर भी देता हूँ। तो ये ठाकुर का वचन है। आप अपने घर में शंख शालिग्राम तुलसी ले आए, मंगलवार के दिन स्थापित कर दें, शंख बजाएं, प्रसन्नता बढ़ेगी, लक्ष्मी का आह्वान होगा, लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर में वास कर जाएगी, दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी आपकी, रोग आपको सताएगा नहीं। ठाकुर का नाम लेने से घर का वास्तु दोष भी ठीक होता है, किसी भी प्रकार के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।